जो ऑलरेडी आप काफी टाइम से बेच रहे हो और लेट सपोज यू नो ऑलमोस्ट लाइक सिक्सटी डेज हो गए सेवेंटी डेज हो गए इसमें बहुत सारा सेल्स आ चुका है एडवर्टाइजिंग सेल्स आ चुकी है अब वो डेटा को कर यूज करके एक्जैक्टली exactly कैसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की जाती है आई शो यू दैट सो एमेजोन पे दो फेजेज होते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के एक फर्स्ट फेज होता है जब आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हो बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो छोड़ देते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करके

राइट right? सो so, ये लिस्टिंग्स को हम लोग ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करेंगे तो so, सबसे पहला आप क्या करोगे आप जाओगे अमेजोन एडवर्टाइजिंग के अंदर राइट right? uh, एक चीज़ याद रखना ये लिस्टिंग ऑलरेडी सेल्स प्रोड्यूस कर रही है वही लिस्टिंग तो आपको करना है तो आपको डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग में सेल्स आनी चाहिए फॉर देट एसके यू टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी विच आई एम शोइंग यू तो आपको जाना पड़ेगा अमेजोन पे और आपको जाना पड़ेगा ये रिपोर्टिंग टैब्स में यहाँ पर और, और राइट तो so, जैसे आप रिपोर्ट्स में क्लिक करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएटर रिपोर्ट आपको कौन प्रोडक्ट्स में जाना है क्लिक करना है रिपोर्ट टाइप सर्च टर्म और यहाँ पर आप जाओगे लास्ट सिक्सटी फाइव डेज जितना पीछे जा सके उतना राइट एंड यहाँ पर एंड क्लिक सेव एंड देन यू क्लिक ऑन रन रिपोर्ट जब आप रन रिपोर्ट दबाओगे दे विल बी न्यू रिपोर्ट दैट इज गोइंग टू बी ऑलरेडी डाउनलोडेड फॉर यू आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पे आई विल डाउनलोड दिस रिपोर्ट लाइक दिस एंड आई विल ओपन दिस अभी आपने जो भी रिपोर्ट मतलब जो भी एसके यू के लिए आप कर रहे हो आप उसको यू you नो know, फिल्टर कर सकते हो सारे कैंपेन्स को मेरे केस में मैं एवरी थिंग दट आई डू इज बेस्ड ऑन दू नो लाइक मेरे हर हर कैंपेन में मेरा यू नो नेमिंग रहता है इसी वजह से मैं इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ तो यहां पर मैं अपना खाली नाम डाल दूंगा एसके यू का जो यहां पर है एंड यू कैन सी ऑटोमेटिकली सारे के सारे सर्च टर्म्स यहाँ पर आ चुके हैं अब हमारा गोल क्या है हमको वो की वर्ड्स या वो सर्च टर्म्स ढूंढने जहां पर ऑलरेडी हमें बहुत अच्छी सेल्स आ रही है तो सेवन डे ऑर्डर को मैं जीरो निकाल दूंगा यहाँ पे और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे, सारे सर्च टर्म्स है विच इज रियली रियली गुड राइट अभी मैं तो कॉपी करूंगा आई कीप इन सेल शीट आई जस्ट इंक्रीज माई थिंक ओवर योर एंड देन वॉट आई एम गोइन डू ओवर योर इज आई एम गोई एवरी थिंग बाई ऑर्डर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर ऑर्डर्स डिसेंडिंग से कर लूंगा अब जो भी मुझे एट से नंबर टू तक आए हुए हैं like right? ये सारों को मैं इधर एक और कॉलम क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पर मैं डाल दूंगा टाइटल ये सारे की को मैं टाइटल में डालने वाला हूँ ये ऑल थ्री की वर्ड ऑल दीस विल बी अ पार्ट ऑफ माई बुलेट पॉइंट्स और राइट right. अब मैं एग्जैक्टली exactly क्या करने वाला हूँ आई एम टू यूज अ टूल कोल चैट जीपीटी सो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपने एक न्यू प्रोफाइल में और यहां पर मैं क्लिक करूंगा चैट जीपीटी

होम एडजस्टेबलो एक्जैक्ट फॉर्म में चाहिए तो इसको एक और टाइप से हम कमांड दे सकते हैं हम ट्राई करेंगे एक और नया कमांड देकर मैंने एक और नया आइटरेशन किया यहाँ पे मैंने लिखा है राइट मी दिस टाइटल इन कॉपी राइटर्स स्टाइल इन वैक्सीम टू हंड्रेड कैरेक्टर्स और मैंने एक्जैक्ट टाइटल पेश कर लिया तो मुझे एक नया टाइटल बना के दे दिया राइट जो थोड़ा सा बेटर है आप देख सकते हो काफी बेटर है जैसे जो, जो मेरा ओरिजिनल टाइटल था अब मैंने यहाँ पर लिखा है नाउ इंक्लूड दीज की टाइटल जो भी हमने टॉप थ्री की वर्ड निकाले थे मैंने बोला ये टाइटल में आप एडजस्ट कर लो तो इन्होंने इसी के मदद से ये टाइटल में ये पूरे तीन कीवर्ड्स बना दिए और ये होगी आपकी अल्टीमेट इनो लिस्टिंग्स जो आप यूज कर सकते हो विच इज न्यू एस विच विल हेल्प यू गेट सेल्स एंड यू नो रैंकिंग फॉर दीज थ्री कीवर्ड्स इन योर टाइटल आप देख सकते हो पेशेंट बेड फॉर होम एडजस्टेबल यहाँ पर देख सकते हो पेशेंट बेड फॉर होम एक्जैक्टली आ चुका है और यहाँ पर जो भी बैक सपोर्ट था रेस्ट फॉर बेड था यह भी सारे यहाँ पे आ चुके हैं राइट सो so एग्जैक्टली exactly ऐसे आप ऑप्टेमाइज कर सकते हो आपकी टाइटल्स को और अब एक और स्टेप हम आगे कर सकते हैं अब ये सारे जो कीवर्ड्स है ये सारे के सारे की वर्ड्स है हमारे यू नो बुलेट पॉइंट्स के लिए तो आप एक एक करके वापस यही चीज कर सकते हो आप नीचे जा सकते हो ए एक बुलेट पॉइंट उठाओ यहाँ से exactly और कॉपी कर दो और यहाँ पर लिख लो सेम चीज जो मैंने पहले की थी हम यहाँ पर हम डाल सकते हैं री राइट नी द बिलो बुलेट बुलेट पॉइंट ऑफ माई प्रोडक्ट्स माई प्रोडक्ट लिस्टिंग इन ए कॉपी राइटर्स स्टाइल ओके okay. और यहाँ पर खाली आपको करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट मार्क यहाँ पर एंड इनवर्टेड कॉमर्स और बोम ये एक नई सी लिस्टिंग नया सा बुलेट पॉइंट आपको दे देगा जो बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू यू और यहाँ पर आप एक लिमिट भी डाल सकते हो लेट सपोज हमको बहुत ज़्यादा बढ़ानी चाहिए इन हंड्रेड कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द बिलो की अब आप यहाँ से की उठा सकते हो हर बुलेट पॉइंट्स के लिए आप दो या तीन की उठा सकते हो मैं यहाँ पे ये की उठा लूंगा जो यहाँ पर है सो so, यहाँ पर इसको कर लूँगा कॉपी एंड यहाँ पर इसको कर दूंगा ये ताकि मुझे मालूम पड़े मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है लेट्स सी देखते हैं क्या होता है और इसको मैं कर दूंगा पेस्ट अच्छा कॉपी नहीं हुआ है शायद सो वापस लेट्स गो एंड डू वन मोर लेट्स सी एंड पेस्ट ओके सो इसको मैं एग्जैक्टली exactly इधर कर दूंगा थोड़ा सा आई थिंक सेम की वजह हो रहे हैं तो थोड़ा सा मैं नीचे भी कर सकता हूँ लेट्स गो विथ ये तीन को हम लेके देख सकते हैं चलो कॉपी लेट्स ट्राई विद कंट्रोल वी सेव एंड सबमिट लेट्स सी बोम आप देख सकते हो राइट right? इसमें सारे के सारे कीवर्ड्स इसने एडजस्ट कर लिए बैक रेस्ट फॉर बेड फॉर पेशेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर भी आ गया होगा कहीं ना कहीं परफेक्ट फॉर पेशेंट्स बैक सपोर्ट फॉर बेड बेस्ट रेस्ट फॉर बेड तो ये बेसिकली सारे की वर्ड्स आपके एडजस्ट कर लेगा इन अ वेरी वेरी और आप बार बार नए नए रिस्पॉन्सेज भी जनरेट कर सकते हो ये आपको सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट देगा बट आपको ये सारे की वर्ड्स आपके लिस्टिंग में एक्जैक्टली exactly इंक्लूड करने हैं बट एक्जैक्टली ए आई नहीं करेगा बट ये आपको बेटर चीजें दे सकता है जैसे ट्रांसफॉर्म योर बेड इन टू हेव इन कम्फर्ट एलिमेंट सपोर्ट रिलैक्स इन य स्टडी एडजस्टमेंट अब आप बोल सकते हो कि इंक्लूड बिलो कीवर्ड्स इन द अबाव बुलेट राइट आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे तभी जाके ये सेट होगा बट आपका काम काफी अच्छा हो सकता है एक बार आपने इसका हैंग ले लिया तो और ये मैं लाइव कर रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा यू नो ऊपर नीचे होगा थोड़ा ट्रायल ने होंगे आप देख सकते हो ये बेटर 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 होते ही जाएगा जैसे आपने देखा यहाँ पे बैक सपोर्ट फॉर बेड वो भी आ चुका है एडजस्टेबल बैक रेस्ट फॉर बेड ये धीरे धीरे जितना आप उसको ट्रेन करते जाओगे उतना वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा सो so एक्जैक्टली exactly आपको ऐसी ही लिस्टिंग्स क्रिएट करनी है ऑप्टिमाइज करनी है फॉर योर एक्जिस्टिंग सेलर्स जो भी अच्छे कीवर्ड्स परफॉर्म कर रहे है, उसको रीफ्रेज करो Title Medalo, Bullet Points daalo, Zada Maximum Orders ko Title Medalo, Rest you can put in the bullet points, and that's exactly how you can optimize your listings. And you should do this every 60 days. If you really want to learn Amazon advertising in depth and Amazon scaling, then you can click the link below and watch my 20 minutes video and book a call with my team if you're really interested to go to the next level with our programs and with our services. Alright, that's it from this video. I'll see you in the next video. Bye bye and take care.